नमस्कार, अब खबर कामा से। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में जैन ने अपने भाई की पत्नियों पर हमला किया। लोहे के सरिये से हमला, जिसमें गंभीर रूप से घायल महिला हो गई। मारपीट की आवाज सुनकर पड़ोसी पड़ोसियों के किया बीच बचाव और घायल महिलाओं को कामा के अस्पताल में कराया गया भर्ती। बताया जाता है कि घायल महिला के पति मजदूर पर गए हुए थे। मौके का फायदा उठाकर आरोपी लेखराज ने अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ नजायज संबंध बनाने की फिराक में रहता था। इसी वजह से रोजाना शराब पीकर बच्चों के साथ झगड़ा व औरतों को गाली गलौज किया करता था। गाली गलौज का विरोध करने पर शराबी अपना आपा खो बैठा और अपने ही हाथों में लगी लोहे के सरिये से महिला के सिर पर वार करने लगा, जिससे महिला को चोट आ गई और वह जमीन पर गिर पड़ी। चीखने पुकारने की आवाज पर पड़ोसियों ने बीच बचाव किया। वह गंभीर रूप से घायल महिला को कामा अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया और उसका इलाज चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। करीब 12 साल पहले आरोपी लेखराज ने अपनी धर्मपत्नी पर तेजाब डालने के जुर्म में 5 साल की सजा भी काट चुका है, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं आया है। इसकी पत्नी भी अपने मायके में ही रहती है। कामा से टीवी न्यूज चैनल के लिए हरिओम कुमार मीणा की स्पेशल रिपोर्ट।